नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं अनुराग सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सूचना आयोग का गठन इसलिए किया गया ताकि जनसाधारण जो सूचना की आस में अपने प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी को देते हैं, उन सूचनाओं को आसानी से दिलाया जा सके, निश्चित समय अवधि में दिलाया जा सके। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, सूचना आयोग के गठन का यही उद्देश्य है कि कोई लोक सूचना अधिकारी अगर आम जन को सूचना नियत समय के अंदर नहीं दे रहा है, तो उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को तलब करे और वांछित सूचनाएं दिलाए, और अगर ज़्यादा देरी किया जा चुका है तो उस लोक अधिकारी पर जुर्माना लगाए। पर सूचना आयोग लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश के लोक सूचना अधिकारियों को तलब करने का अधिकार रखता है और उनसे उनको सूचनाएं देने के लिए बाध्य करने का भी अधिकार रखता है, पर यह सूचना आयोग खुद नहीं चाहता कि सूचनाएं समय अवधि में आम जनता को मिल सके। ऐसे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं या किए जा चुके हैं सूचना आयोग लखनऊ के द्वारा, जिससे साफ साफ सबूत के साथ साबित हो जा रहा है कि सूचना आयोग खुद चाहता है कि सूचनाएं देर से मिलें या न मिलें, आम जनता निराश हो जाए, थक हार के बैठ जाए और सूचना की आस छोड़ दे। यह बात मैं बेसिर पैर नहीं कर रहा हूं, मेरे पास सबूत है, प्रमाण है, जो मैं आपको दूंगा। हाँ, आगे आने से पहले मैं पहले तो आपसे निवेदन करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आगे मैं कुछ बोलूँ इससे पहले भी मैं ये बताना थोड़ा थोड़ा सा जरूरी समझता हूँ कि सूचना आयोग दो प्रकार के होते हैं, एक राज्य सूचना आयोग और एक केंद्रीय सूचना आयोग। दोनों की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ, अधिकार अलग अलग हैं, एक का नियंत्रण दूसरे के ऊपर कतई नहीं है। सूचना आयोग, चाहे वो राज्य सूचना आयोग हो या फिर केंद्रीय सूचना आयोग, दोनों ही स्वतंत्र संस्थाएं हैं और एक दूसरे के ऊपर इनका नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता। अब मैं आता हूं अपने मुद्दे पे। मैंने 14/11/13 को, 14 नवंबर 2013 को एक प्रार्थना पत्र दिया था, RTI का प्रार्थना पत्र, और यह प्रार्थना पत्र मैंने दिया था शाखा प्रबंधक काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक कुड़हरा पोस्ट उदियावां आजमगढ़ को। शाखा प्रबंधक काशी बैंक को मैंने सूचनार्थ प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें मैंने कुछ सूचनाएं मांगी थी जो लोन से संबंधित थी, जिसमें लोन लेने वाले व्यक्ति ने लोन गलत कारणों से लिया था, क्योंकि लोन लेने का जो कारण बताया गया था उस कारण के लिए धन का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि किसी और कार्य में धन का उपयोग किया गया। हो सकता है मेरा कहना गलत हो या मेरा सोचना गलत हो, लेकिन लोन से संबंधित सूचनाएं मांगना गलत नहीं है। मैंने बैंक को प्रार्थना पत्र दिया, शाखा प्रबंधक को, कि उस लोन से संबंधित जो भी जानकारियां मैंने मांगी, इसमें लिखा हुआ है, उन सूचनाओं में मैंने क्या कुछ पूछा था यह जानना जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना जानना काफी है कि मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया काशी गोमती ग्रामीण बैंक के मैनेजर को। फिर सूचनाएं के रूप में मुझे ये दो तीन कागज मिले अलग अलग अधिकारियों के, जो काशी ग्रामीण बैंक से संबंधित थे। सूचनाएं किसी में नहीं दी गई, किसी में मेरे प्रार्थना पत्र को ही गलत कहा गया। फाइनली मैं अज्ञानतावश राज्य सूचना आयोग को प्रार्थना पत्र दे दिया। उस समय मुझे पता नहीं था कि काशी गोमती ग्रामीण बैंक राज्य सरकार के अधीन नहीं आता, बल्कि केंद्र सरकार के अधीन आता है। अगर मुझे इस बात की जानकारी रही होती तो मैं नहीं दिया होता। लेकिन जब मैंने केंद्रीय सूचना आयोग को न देकर राज्य सूचना आयोग को मैंने प्रार्थना पत्र दिया, तो राज्य सूचना आयोग तो भली भांति जानता था कि यह प्रार्थना पत्र उसके लिए नहीं है, लेकिन
राज्य चुनाव आयोग लखनऊ ने 15 दिसंबर 2015 को, लगभग 2 साल बाद, ऐसा होता ही आप जानते ही हैं कितना समय लगता है, तो 15 दिसंबर 2015 को एक नोटिस जारी किया जिसकी कॉपी मुझे दी गई है, और साथ ही साथ संबंधित लोक सूचना अधिकारी या शाखा प्रबंधक संबंधित बैंक को दी गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सूचना आयोग को बताना चाहिए था कि आपका आवेदन पत्र केंद्रीय सूचना आयोग में जाना चाहिए, आपको केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाना चाहिए ताकि आपको सूचनाएं मिल सकें, पर सूचना आयोग लखनऊ ने ऐसा नहीं किया। मैं नियत तारीख पर लखनऊ पहुंचा और मेरे विपक्षी नहीं आए थे, मुझे तारीख दे दी गई करीब 3-4 महीने बाद की, जैसा आम होता है। फिर मैं अगली तारीख पर पहुंचा, वो तारीख मुझे याद तो नहीं है, पर मैं पहुंचा, उस बार भी मेरे विपक्षी नहीं आए थे। फिर तीसरी तारीख दी गई जो करीब 4-5 महीने बाद की थी, तो तीसरी तारीख पे शाखा प्रबंधक का एक प्रतिनिधि, ऐसे सूचना अधिकारी आया था, और उस व्यक्ति ने बताया सूचना आयुक्त को कि भाई मैं आपके अधीन नहीं हूँ, मेरा बैंक आपके अधीन नहीं है, आप मुझे सूचना देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो करीब 9-10 महीने मुझे सूचना आयोग में लग गए सिर्फ यह जानने में कि जो मेरा प्रार्थना पत्र है, जो मेरी वांछित सूचना है, उसको दिलाने का अधिकार सूचना आयोग लखनऊ या राज्य सूचना आयोग लखनऊ नहीं रखता, बल्कि केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली को है। तो मैं आगे फिर केंद्रीय सूचना आयोग लखनऊ में प्रार्थना पत्र, सॉरी, केंद्रीय सूचना आयोग दिल्ली में प्रार्थना पत्र दिया, पर जो मेरे 9-10 महीने सूचना आयोग लखनऊ में लगे वो व्यर्थ के लगे, और मैं यही समझ पाया कि सूचना आयोग लखनऊ जानबूझकर सूचनाओं को नहीं दिलाना चाहता। ये शायद मानसिकता बन गई है कि सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को फ्रस्ट्रेट किया जाए, इस तरह का व्यवहार किया जाए ताकि सूचना मांगने वाला व्यक्ति हताश हो जाए, निराश हो जाए और सूचनाएं न मांगे, क्योंकि यह नोटिस न भेज के सूचना आयोग लखनऊ अगर मुझे यह पत्र भेजा होता कि आप इन सूचनाओं हेतु केंद्रीय सूचना आयोग में अपील करें, तो शायद मुझे सूचना बहुत पहले मिल गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं केस संख्या भी बता दूं, पत्रांक संख्या पहले मैं बता दूं कि जो जो नोटिस भेजी गई उसका पत्रांक संख्या है 5716, और इसकी सुनवाई हुई थी S5 393/C/2015 में। यह सेल नंबर मैंने बताया, और वाद संख्या इसमें कहाँ दिया हुआ है, वाद संख्या इसमें कहीं लिखा ही नहीं क्या, शिकायत संख्या, हाँ शिकायत संख्या है S5/393/C/2015, जो मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था वो शिकायत संख्या ही थी, और अभी भी मैंने शिकायत संख्या बताया, और ये जो पत्रांक संख्या है वो है 5716, और लेटर वहाँ से भेजा गया था 15 दिसंबर 2015 को, और जो सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई थी वो इसमें कहाँ लिखी हुई है, सुनवाई की तारीख है 12 जनवरी 2016, 12 जनवरी 2016 को सुनवाई की गई, और इसको भेजा गया था 15 दिसंबर 2015 को। पर यह मैटर राज्य सूचना आयोग का नहीं था, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी, पर राज्य सूचना आयोग को तो इसको इसकी भली भांति जानकारी थी कि यह मैटर उनका नहीं है। तो क्या आप भी मेरी तरह मानते हैं कि राज्य सूचना आयोग चाहता है कि सूचना मांगने वाले हताश हो जाएं, निराश हो जाएं और सूचनाएं न मांगें? कृपया कमेंट बॉक्स में